संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। महंगाई, तेलंगाना, कोयला ब्लॉक आवंटन, महिला सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे छाए रहने की संभावना। सरकार लंबित विधेयकों को पास कराने का करेगी प्रयास। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार लोकपाल, महिला आरक्षण, तेलंगाना सहित 38 विधेयक पारित किए जाने की संभावना। विपक्ष ने की है सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज तेलंगाना पर बने मंत्री समूह की रिपोर्ट पर होगी चर्चा। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मंत्री समूह की सिफारिशों पर होगी चर्चा। आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित तेलंगाना राज्य में अनंतपुर और कुर्नूल जिलों को मिलाकर रायल तेलंगाना बनाने के प्रयासों के विरोध में कल तेलंगाना क्षेत्र में धरने और रैलियां हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 66% मतदान। 4 राज्यों में मतगणना 8 दिसंबर को होगी जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती 9 दिसंबर को होगी। सूरत की दो बहनों के यौन शोषण मामले में लगभग 2 महीने से फरार चल रहे नारायण साईं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की अदालत ने साईं को 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात पुलिस को सौंपा। तरुण तेजपाल मामले में तहलका की पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी गोवा पुलिस के समक्ष आज देंगी बयान। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल के खिलाफ 1 या 1.5 महीने में आरोप पत्र होगा दायर। कर्नाटक विधानसभा ने आवश्यक सेवा अधिनियम यानी एस्मा विधेयक किया पारित। इसके तहत आवश्यक सेवाएं मुहैया कराने वाले आंदोलनकारी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का प्रावधान है। विपक्ष ने सरकार से यह विधेयक वापस लेने को कहा। कल बाजार में गिरावट का रुख जारी रहा। सेंसेक्स 146 अंकों की गिरावट के साथ 20,708 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 6,161 अंक के स्तर पर बंद हुआ। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने 3 करोड़ बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन को अगले साल भी बनाए रखने का लिया निर्णय। ओपेक देशों के तेल मंत्रियों की बैठक में तेल उत्पादन के लक्ष्य का मूल्यांकन भी करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ चौथे युद्ध की बात को बताया आधारहीन बयान। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कश्मीर के लिए किसी भी षड्यंत्र में पाकिस्तान को नहीं मिलेगी सफलता। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत का रुख सख्त, सदस्य देशों ने कहा खाद्य सुरक्षा के मसले पर कोई समझौता नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। भारत ने कहा बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में वो पूरा सहयोग करेगा। जातीय पार्टी ने शेख हसीना को अंतरिम सरकार में शामिल अपने 7 मंत्रियों को हटाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से की मुलाकात। विवादास्पद द्वीप समूह के ऊपर हवाई रक्षा क्षेत्र घोषित करने की बीजिंग की एकतरफा कार्रवाई से उपजे तनाव को कम करने की मांग की। इराक में एक सरकारी परिसर और पुलिस इमारत पर हुए बम धमाकों में 12 लोगों की मौत। किसी ने नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी। इराक में साल 2013 तक कई बड़े धमाके हो चुके हैं। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बरकरार। राजधानी कीव समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच जोहानिसबर्ग में आज। लगातार 6 वनडे मैच जीतने के बाद भारत के हौसले हैं बुलंद। वहीं जूनियर हॉकी विश्व कप कल से दिल्ली में होगा शुरू। शुरुआती मैच में भारत का सामना मजबूत हॉलैंड की टीम से होगा। एशेज श्रृंखला के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस। पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में
कोई बदलाव नहीं। पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक उस्ताद गुलाम अली का आज 73वां जन्मदिन। अपनी जादुई आवाज से दुनिया भर के गजल प्रेमियों के दिलों को कर रहे हैं आज भी राज। आशिकी का हो ज़माना।